तो ये 9 अप्रैल का वीडियो आपने देखा, लेकिन बीते कुछ दिनों में एक अलग तस्वीर कश्मीर से उभरी है जिसमें पत्थरबाजों ने सेना को अलग अलग मौके पर अटैक किया है। उसके अलावा जो सिविलियंस है, वहां के जो नागरिक हैं, उनके भी मारे जाने की खबर आई है जिसमें आतंकियों ने 2 नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन इसके अलावा एक अहम अपडेट जो आज का है वो ये कि आज CRPF के DG को रिपोर्ट सौंपी जाएगी इस पूरे मसले पर। लेकिन पत्थरबाजों को लेकर घाटी का ये दूसरा चेहरा जिसकी तस्वीर आप शोपियां से देख रहे हैं, जहां कल दहशतगर्दों ने 2 नागरिकों को गोलियों से भून दिया था, जिसके जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और दहशतगर्दों को ये संदेश देने की कोशिश की कि घाटी इतनी आसानी से उनकी धमकी से डरने वाली नहीं। कल कुछ आतंकी स्थानीय लोगों के साथ एक वकील के घर में घुसे थे और धमकी देने के बाद उस वकील को गोली मार दी गई थी। ये लोग अपना चेहरा छिपाकर पहुंचे थे, नकाब लगाकर यहां पहुंचे थे, लेकिन आज इस जनाजे में घाटी के कई लोग शरीक हुए और दहशतगर्दों को यह संदेश दिया कि उनके डर के आगे वो झुकेंगे नहीं। जी हाँ, उनके पास बंदूक थे। मेरा बाप दरवाजे पे खड़ा था, मेरा बच्चा उसकी गोद में था, तो उन्होंने मेरे बाप को अंदर लिया, बोला आपसे बात करनी है। तो उसने बोला मुझे पता आप मुझे गोली मारने आए हो, आप मार सकते हो। उन्होंने बोला हम गोली मारने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। तो इतने में क्या हुआ कि वो बैठे नीचे, उनने पानी पी और मेरे बाप को बोला आपके साथ हमें बात करनी है अंदर। बाहर से उनका दरवाजा बंद किया तो उसको अंदर गोली मार दी उन्हें सर में। आप कहाँ पे थे उस टाइम? कमरे में ही थे। अभी क्या चाहते हो? उसके साथ में कौन कौन थे जो मिलिटेंट, उनके साथ कौन कौन? उनके साथ हमारे 2 हमसाय लड़के थे, 2 भाई थे, मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त है, उनका बहुत करीबी दोस्त है। मेरे बाप का तो अफसोस नहीं है जितना उसके धोखे का अफसोस है। मुझे धोखा दिया उस दोस्त ने। इस वक्त हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, इस वक्त तस्वीर भी हम अलग अलग दिखा रहे हैं श्रीनगर कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो अलग अलग घटनाएं हुई, चाहे सेना पर हमला हो या आतंकियों का बंदूक की नोक पर वहां के नागरिकों को डराना धमकाना, उन्हें मौत के घाट उतारना हो, और सेना को लेकर एक अलग वहां पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में आज जो रिपोर्ट तैयार हुई है, किस तरह से गृह विभाग रक्षा मंत्रालय इस पूरी घटना को अब देख रहा है? देखिए मीनाक्षी, आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है जो अगले 3-4 दिन तक चलेगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली मौजूद होंगे बैठक में, तमाम आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी मौजूद होंगे, इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत मौजूद होंगे। और खासतौर से जो लगातार सेना को निशाना बनाया, पत्थरबाजी की जो घटनाएं बढ़ी, सुरक्षा बलों पर जो हमला हुआ है, एक जो वीडियो खासतौर से एक पत्थरबाज को जो सेना की जीप में ढाल बनाकर ले जाने का जो मामला है उसको लेकर, जो सेना को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर सरकार ने साफ किया है, सेना के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। और खासतौर से जो सेना के कमांडर हैं, ग्राउंड पर जो लोग हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह सेना पर, सुरक्षा बलों पर अगर आतंकी पत्थरबाज हमला करते हैं तो उनको, उनके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी, कड़ाई से उनका उनका मुकाबला किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि इस मामले में जो जो घटना है उसको लेकर स्थानीय पुलिस ने FIR दर्ज की है, सेना अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इस मामले में कल जिस तरह से सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने MSAG डोभाल को पूरे मामले की जानकारी दी थी, उसके बाद सरकार ने साफ किया है कि वो पूरी तरह से सेना के साथ स्टैंड करती है, खासतौर से अगर पत्थरबाजी घटनाओं में सुरक्षा बलों को, सेना को निशाना बनाया जाता है तो उनके खिलाफ मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। और आज की जो बैठक होगी उसके दौरान भी रक्षा मंत्री जो अरुण जेटली हैं वो सेना से पूरे मामले की जानकारी लेंगे। जी शुक्रिया मंजीत आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हनुमान जी के नाम पर गुंडागर्दी।